इसी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 3 अप्रैल 2021 को नरसिंहानंद सरस्वती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और यहां बैठ के उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां की थी और इस्लाम के खिलाफ नाजायज़ बातें हुई जो है वो यहां से की। उससे पहले मार्च के महीने में वो एक और गुस्ताखियां इस तरीके कर चुका था जिसके खिलाफ 8 मार्च को हमने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र में हमने एक FIR दर्ज कराया था। उस FIR को हम फॉलो अप करते रहे लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने कोई खास एक्शन उस पर लिया नहीं। जब महाराष्ट्र पुलिस ने कोई एक्शन उस पर ले लिया तो हमने उसके खिलाफ एक जेल भरो आंदोलन का हमने 11 अप्रैल को ऐलान किया था कि हम 4 मई को पूरे देश में हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। 11 अप्रैल को हमने ये ऐलान किया था कि 4 मई को हम जेल भरो आंदोलन करेंगे और हमने प्रशासन को 20-22 दिन का वक्त दिया था कि वो एक्शन ले, लेकिन प्रशासन ने उन 20-22 दिनों में भी कोई एक्शन नहीं लिया और आखिरी वक्त में 3 मई को महाराष्ट्र पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि आप ये प्रोटेस्ट फॉलो कर लीजिए, हम आपके सारे डिमांड्स पूरे करेंगे, हम नरसिंहानंद के अगेंस्ट एक्शन भी लेंगे और जो आपकी दूसरी जो मांग थी एक और जो हमारी मांग थी कि जितनी भी सोशल मीडिया पे जो गुस्ताखी की जितनी वीडियोस हैं हमने करीब 22,000 ऐसे वीडियो डिस्काउंट किया था और हमने उनको दिया भी था। उन्होंने ये कहा था कि हम ये 22,000 वीडियोस यूट्यूब से फेसबुक से हम इसको रिमूव कराएंगे, आप इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दीजिए। उनके आश्वासन पे हमने उस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दिया और हमने अपनी सारा डाटा जो है उनको प्रोवाइड कर दिया। एक हफ्ता गुजरने के बाद जब हमने महाराष्ट्र पुलिस से फॉलो अप किया तो महाराष्ट्र पुलिस ने यह कहा कि हमने केस को जो है वो गाजियाबाद SP को ट्रांसफर कर दिया है क्योंकि घटना जो है वो वहीं की है, इसलिए हमने वहां ट्रांसफर कर दिया। हालांकि इसी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठे यदि नरसिंहानंद सरस्वती ने जो है वो गुस्ताखियां की थी तो होना भी ये चाहिए था कि दिल्ली पुलिस उस पर एक्शन लेती, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया और जो हमारा FIR हुआ था मीरा रोड में वो भी गाजियाबाद SP को ट्रांसफर कर दिया गया। जब हमने गाजियाबाद SP से कनेक्ट किया इस बारे में तो हमें वहां से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियां कराई जा रही हैं और हमारे दिलों को जो तकलीफ हो रही है वो अब नाकाबिले बर्दाश्त है। हम बस ये पैगाम देना चाहते हैं कि हुकूमत इससे बाज आए, क्योंकि हम साफ साफ कहना चाहते हैं ये सब हुकूमत करा रही है, बगैर हुकूमत की शय के ये सब नहीं हो सकता है, तो हुकूमत इससे बाज आ जाए, ये सब हरकतें न करे। और हमने अब ऐलान कर दिया है कि हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। अगर वक्त रहते जैसा कि हुकाम ने कहा है कि हम ये कार्रवाई करेंगे पिंकी चौधरी पर और फलां पर, अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और अगर नहीं किया जल्द ही उन्होंने कार्रवाई तो हम बहुत जल्द पूरे इंडिया लेवल पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे और वो ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि वो सिर्फ दिखाने वाला नहीं होगा बल्कि हम अपनी जानें कुर्बान करने के को लेकर के बैठेंगे। होती है कि मुल्क में कोई अमन अमान मुल्क का खराब हो, जो लोग कर रहे हैं उनको हुकूमत कंट्रोल करे, वो लोग बाज आए, और साथ साथ हिंदू कम्युनिटी जो है वो भी ऐसे लोगों को, बहुत से लोग कर भी रहे हैं लेकिन अभी ज्यादा तादाद में जरूरत है कि उनको कंट्रोल करें, उनको मना करें। जब तक वो उससे बाज नहीं आएंगे तब तक अमनो अमान कैसे रहे। हमेशा कोशिश रही है, हमने कब नहीं की कोशिश, हमेशा हम करते रहे और इस मुल्क को कुर्बान करने में हमारा क्या रोल है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। और जितनी कुर्बानियां हजारों की तादाद में हमने दी, हमने अपनी जानें गंवाई हैं, उससे कहीं ज्यादा हम कुर्बान करेंगे अपने नबी की अजमत के लिए।